हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टेक्स मंडे। तो आज हम देखने वाले हैं काफ़ी लोगों की फेवरेट एक्सरसाइज, दैट इज बारबेल कर्ल्स। हम देखेंगे क्या लोग उसमें मिस्टेक्स करते हैं और कैसे हम उसे फिक्स करते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें। वेलकम बैक गाइज। तो गाइज, मिस्टेक्स पर जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए जब हम बारबेल कर्ल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो तीन टाइप की मेनली ग्रिप्स होती हैं। एक होती है शोल्डर विथ, जब हम शोल्डर की विथ पे पकड़ते हैं, एक उससे थोड़ा सा वाइड ग्रिप और एक क्लोज ग्रिप। तो इन तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों आपके बाइसेप को अच्छे से हिट करेंगी। जब आप वाइड पकड़ते हो तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस ज़्यादा आपके इनर हेड पर आ जाए, जो आपका शॉर्ट हेड होता है बाइसेप का, और जब आप शोल्डर विथ करते हो तो आपका लॉन्ग हेड पर थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जब आप क्लोज ग्रिप करते हो तो आपका ये आउटर हेड जो होता है बाइसेप का, उस पर हल्का सा ज्यादा स्ट्रेस आने लग जाता है। अब तीनों में से आपको कौन सा परफॉर्म करना चाहिए? मैं पर्सनली जो करता हूं, मेरे को सबसे ज्यादा फील होता है शोल्डर विथ से हल्का सा एक इंच अंदर करके, उसमें मैं सबसे ज्यादा बेस्ट फील करता हूं अपने बाइसेप को। बट मैं सिर्फ उस पर स्टिक नहीं करता हूँ, मैं बीच में वेरिएशंस भी लाता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा वाइड ग्रिप मार लिया, कभी शोल्डर विथ मार ली, कभी एकदम क्लोज मार लिया, कभी जो मेरे को पर्सनली फेवरेट है मेरी वो ग्रिप मार ली। तो ऐसे ही आपको साइकिल करते रहना चाहिए और आपको एक अच्छा सा माइंड मसल कनेक्शन बनाने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो गाइज, अब बात करते हैं हम हमारी मिस्टेक्स की। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है इनकम्प्लीट रेंज ऑफ मोशन। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऊपर ऊपर रेप्स मार रहे होते हैं, प्रॉपर ऊपर कंट्रैक्ट तो करते हैं बट प्रॉपर नीचे नहीं जाते हैं। या ये होता है, या होता है कि वो नीचे से सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक लाते हैं और फिर पूरा ऊपर कंट्रैक्ट नहीं करते हैं बाइसेप को। ये दोनों ही गलत हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं है मसल ग्रोथ के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करना है, जहाँ पर आप प्रॉपर नीचे अपनी एल्बोस को फुली एक्सटेंड करें, और साथ में जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपनी एल्बोस को हल्का सा ऊपर लेकर जाए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बाइसेप शोल्डर से भी, शोल्डर जॉइंट से भी अटैच्ड होती है, तो उसका एक ये भी फंक्शन होता है जो कि है शोल्डर फ्लेक्शन। तो उसको करने से हमारी बाइसेप जो है वो हल्का सा और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। बट अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर जगह होते ही हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे को ऐसे ज़्यादा शोल्डर फ्लेक्शन करने में थोड़ी सी एल्बो पे अनईजी सा फील होता है, तो मैं पर्सनली ज़्यादा शोल्डर फ्लेक्शन नहीं करता हूँ, बहुत हल्का सा माइनर सा। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी एल्बो फिक्स रहे एक जगह। सो गाइज, ये आपको खुद देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके कि आप शोल्डर फ्लेक्शन में इजी फील करते हैं अपने एल्बो जॉइंट पर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग ये करते हैं और इनको करना चाहिए, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसमें दिक्कत आती है, जिनमें से मैं एक खुद हूँ। और इसके अलावा गाइज, हम ये भी कर सकते हैं अपनी एल्बोस को अपनी बॉडी के आगे प्रॉपर लॉक कर लें और फिर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करें, ये भी एक तरीका है। आपको देखना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके कि आप कहाँ बेस्ट फील कर पा रहे हो और कौन सा आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है और किस में आप अपने बाइसेप को ज़्यादा फील कर पा रहे हो। तो गाइज, जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है अनकंट्रोल्ड इसेंट्रिक्स। आपने देखा होगा बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म करते टाइम काफ़ी लोग प्रॉपर ऊपर तो लाते हैं बट नीचे एकदम से वो ड्रॉप करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये या तो होता है लोग बहुत ज़्यादा तेज़ मार रहे होते हैं रेप्स को काउंट करने के लिए कि रेप्स बहुत ज़्यादा मारने हैं, या ये रीज़न होता है, या होता है कि वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उनसे कंट्रोल नहीं होता है नीचे जाते टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वेट एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट यूज़ करें, जो आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं 10 से 12 रेप्स के लिए। तो आपको इसमें क्या करना है, आप जब नीचे ला रहे हो आपको एक कंट्रोल्ड वे में नीचे लाना है। आपको कंट्रोल्ड वे का मतलब ये नहीं है कि आप 5 से 6 सेकेंड लगा रहे हो नीचे आने में, आपको सिंपली 1 से 2 सेकेंड लगाने हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके बाइसेप वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली जब आप नीचे सेंट्रिक के दौरान। सो गाइस, हमारी थर्ड मिस्टेक है वो है स्विंगिंग अवर बॉडी, और जिसे हम कहते हैं बॉडी इंग्लिश। तो इसमें क्या करते हैं लोग, मतलब बार पे बहुत ज़्यादा वेट लोड कर लेंगे जो कि उनसे बिल्कुल उठेगा नहीं, और वे एकदम जर्क मारते ऊपर जाएंगे। मतलब आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अपने ग्लूट्स, बैक और बाकी बॉडी पार्ट्स को यूज़ क्यों कर रहे हो, उनको अलग से ट्रेन कर लो ना मेरे भाई।
तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप को यूज करो, ऐसे मतलब जर्क मार के इसका कुछ फायदा नहीं है। ईगो अपनी साइड में रख के आओ, और जर्क मारने के साथ साथ मतलब वो आगे की तरफ भी गिरते हैं, जो कि काफी आप इंजरी के प्रोन हो रहे हो ये करते टाइम। और एक बाइसेप कर्ल्स में स्पेशली ये होता है, हेल्प बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं कि भाई एक सेट करवा दे, हेल्प करवा दे। मतलब इसका लॉजिक क्या है, क्या फायदा है इससे? आप कुछ वर्क तो कर नहीं रहे हो, मतलब आपसे सपोज 30 kgs उठ रहा है और उससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हो, तो आप किसी से मतलब स्पॉट मांग रहे हो, तो आप फिर भी उतना 30 kgs ही उठा रहे हो। बाकी जब आपने सपोज 40 लगाया, तो 10 kgs की जान तो कोई और बंदा लगा रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक जगह फिक्स रहना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बाइसेप को यूज करना है, मतलब बार को लिफ्ट करने में, बार को कर्ल करने में, और बाकी सारे जॉइंट्स आपके एक जगह फिक्स रहने चाहिए। और सिर्फ आपका एल्बो जॉइंट मूव करना चाहिए, और लास्ट में कंट्रैक्शन के टाइम आपका हल्का सा शोल्डर जॉइंट भी। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है नो स्टैंडर्डाइज्ड रेंज ऑफ मोशन। तो इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो इस वीडियो में फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप बाइसेप कर्ल करते हो फर्स्ट वीक, जिसमें आप 10 रेप्स निकालते हो आराम से, और उसमें वेट होता है आपका 30 kgs। तो आप नेक्स्ट वीक उसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने की कोशिश करते हो, और उसमें 40 kgs निकाल लेते हो, और आप सोचते हो कि इसमें मुझे 10 रेप्स मारने हैं। तो आप 10 रेप्स तो ज़रूर निकालते हो, बट उसमें से 2 रेप्स आप चीट करके निकालते हो, और उसमें से 2 रेप्स आप हाफ रेप्स मारते हो। तो ये क्या ये प्रोग्रेसिवली ओवरलोड हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो आप जब भी परफॉर्म करते हो, आप सेट्स परफॉर्म करते हो, तो आप पहले ही मतलब डिसाइड कर लो कि मेरे को इस सेट में प्रॉपर नीचे एक्सटेंड करनी है अपनी एल्बोज, और प्रॉपर ऊपर जाना है, और शोल्डर फ्लेक्शन का भी ध्यान रखना है, और नीचे भी आपको एक कंट्रोल्ड वे में लाना है। ये सब आप पहले सेट करके जाओ, और अगर आपसे डेविएट करते हो मतलब इन सब क्राइटेरिया से 1% भी, तो उस रैप को आप काउंट मत करो। सो गाइज, जो हमारी लास्ट मिस्टेक है दैट इज़ आर रिस्ट पोजिशन। तो आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे रिस्ट को ऐसे करके कर्ल्स करते हैं, जो कि मतलब इस टाइप की रिस्ट ऐसे अगर आप रखते हो तो ये बहुत ही वीक पोजिशन में है। और मैं जब मैंने स्टार्ट किया था जिम, तब मैं खुद ऐसे करके करता था, और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ये वीडियो, तब मतलब मेरे को इतना वो हो रहा था कि मेरे से 3 से ज़्यादा रेप्स लगे ही नहीं। सो गाइज, आपको अपनी एल्बोज प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट रखनी है, ना ऐसे ना ज़्यादा ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके फोरआर्म से ज़्यादा स्ट्रेस आने लग जाएगा बाइसेप के अलावा, और अगर आप ऐसे करोगे तो वो तो है ही मतलब बहुत ज़्यादा अनसेफ सी पोजीशन, आपके रिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है वो। तो आपको प्रॉपर एकदम ऐसे स्ट्रेट रखना है, और एकदम रिस्ट को भी एकदम वो टाइट रखना है कि वो ज़्यादा मूव ना करे इधर उधर। और गाइज, आप इजी बार का भी यूज़ कर सकते हैं रिस्ट को थोड़ी सी और सेफ पोजीशन में लाने के लिए, अगर आपको वो सेट बैठती है तो। सो गाइज, ये तो हो गई सारी की सारी मिस्टेक्स। अब एक बार फटाफट एक छोटा सा ट्यूटोरियल देख लेते हैं। आपको नॉर्मली एक बार को ग्रिप करना है अपनी शोल्डर विथ पे, या वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप, जो भी आप कर रहे हैं। यहाँ मैं शोल्डर ग्रिप करके दिखा रहा हूँ, तो आपको बार को एकदम ग्रिप करना है एकदम टाइट, जितना टाइट आप कर सकते हैं, और फिर उसको अनट्रैक करने के बाद आप 2 स्टेप पीछे आएँ, और मेक श्योर करें कि आपकी फीट एक जगह फिक्स रहे, मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे नहीं, दोनों शोल्डर विथ पे एक जगह फिक्स, और उसको मूव नहीं करना है आपको थ्रू आउट द सेट। अब ये करने के बाद आप सिंपली अपने बार को ऊपर की तरफ कर्ल करें, एकदम अपने बाइसेप को स्क्वीज करते हुए, कि आप अपने बाइसेप को वर्क करता हुआ फील कर पाए, और ऊपर जब आप प्रॉपर पहुंच जाएं, थोड़ा सा पीक कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ाने के लिए आप हल्का सा अपने शोल्डर को फ्लेक्स करें, मतलब अपनी एल्बोस को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, और नीचे उसके बाद आपको एकदम कंट्रोल्ड वे में नीचे लाना है, एकदम स्लो, मतलब 1 से 2 सेकंड का एक्सेंट्रिक, जिसमें आप वेट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएं, और ऐसे ही फिर आपको बाकी के रेप्स भी परफॉर्म करने हैं। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और मेक श्योर करें आपकी ये सारी मिस्टेक्स आप फ्यूचर में ना दोहराएं अगर आप पहले कर रहे थे तो। बाकी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और नीचे कमेंट करके बताओ आप कौन सी एक्सरसाइज नेक्स्ट देखना चाहोगे। बाकी मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। रख दे, बहुत बढ़िया।